हाँ, मैं इस टाइम वर्ल्ड की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे जो कि है हिक्यू में, देखा मैं कर रहा हूँ पानी पीने के दूर, क्योंकि हम हाइट गेन कर रहे हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड का इशू होता है तो सर में दर्द उल्टी हो जाती है। भाई लोगों को बहुत बढ़िया लगी है, ऐसा कि मैं अपना दिल्ली ले जाऊँ उसको अगर मैं। ये रेस्टोरेंट है भाई वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। रात को ये होम स्टे मिल गया था, हमें मिल क्या गया था, कई जगह पूछा, सबने मना कर दिया था कि होम स्टे नहीं है। एक नीचे भैया ने कहा था कि हो सकता है ऊपर होम स्टे खाली हो क्योंकि वहाँ पे आज गाड़ी कम दिख रही है। तो देखो मैं इस रास्ते से जो नीचे था वहाँ से ऊपर चढ़ के आया, एक छत चाहिए थी उसका इंतजाम हो गया था। आज का दिन भी काजा में ही होने वाला है, रात को स्टे ही करेंगे, कल मॉर्निंग में देखेंगे अगर चंद्रताल लेक जाते हैं तो रुकते हैं, यहाँ से मनाली निकलते हैं तो सही टाइम पर नाला पार कर पाते हैं जिसमें गाड़ियाँ फंसती हैं, जो भी होगा दिखेगा। तो आज का डे स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। भाई नहा धो के हो गए हम तैयार, भैया ने दे दिया था हमें पानी क्योंकि यहाँ पे ना काजा में लाइट नहीं आ रही है, कल भी लाइट नहीं थी और अभी तक लाइट नहीं है, जिस वजह से पानी की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, ना ही गर्म हो पा रहा है ना ही पानी आ पा रहा है क्योंकि मोटर से पानी नहीं आता। आग तो है नहीं इस टाइम, गर्म आ रहा है, अरे वाह अब आ रहा है प्रॉपर गर्म, देखो धुआं निकल रहा है, फुल गर्म है भाई पानी, हीट बहते हैं ना अंदर। यार ये चीज़ तो मुझे भाई लोगों को बहुत बढ़िया लगी है, ऐसा कि मैं अपना दिल्ली ले जाऊँ उसको अगर मिल जाए तो, है यहाँ मिलता है मनाली में मिल जाएगा, ठीक है पतिलपुर, यार बढ़िया है यार ये, ठीक है इसमें उपला गेट तो फिर ये निकलता कैसे अगर जो राख हो जाती है अंदर पूरी, नीचे से निकलेगी, अच्छा राख नीचे उतर जाएगा, देख रहे हो जुगाड़। अच्छा आपको लकड़ी मंडी मनाली से लानी पड़ती है, देखो भाई इनको ना सर्दी में सर्वाइव करने के लिए जो लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता है वो मंडी मनाली से जाके करना पड़ता है, क्योंकि स्पीति पे तो पेड़ ही नहीं है तो लकड़ी कहाँ से आएगी, दोनों काम हो जाते हैं, इस पर खाना भी बन जाता है पानी भी गर्म हो जाता है। MID जो है उसके अंदर एक टायर के अंदर प्रेशर कम बता रहा है, चेक करवाते हैं, हवा कम होती है तो डलवाते हैं, अगर पंचर होता है तो लगवाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता तो फिर आपको पता ही है फुल ऑफ रोड है, पर वो हम कल करने वाले हैं। तो भाई ये है हमारा होम स्टे और रास्ता देखो ऊपर आने का, आज का दिन अपना लोकल है, काजा से ऊपर जाएंगे हिक्की मलांगजा और कॉमिक और फिर रिटर्न यहाँ पर, और कल करेंगे हम यहाँ से चलनी चंद्रताल की मे बी मनाली या लोसर जो होगा पता चलेगा। तो भाई अब चल रहे हैं हम कॉमिक विलेज जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, मोटरेबल विलेज मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है कॉमिक, तो अब लेके चल रहे हैं आपको कॉमिक विलेज। सही है हमने पानी पी लिया, जल्दी हो जाएगा। देखा मैं कह रहा हूँ पानी पियो के गुड, क्योंकि हम हाइट गेन कर रहे हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड का इशू होता है तो सर में दर्द उल्टी हो जाती है, पानी नहीं है हो गई अपन तो चंगे, ठीक है अब हैं नहीं है। देखो भाई जैसे जैसे हम कॉमिक की तरफ जा रहे हैं ना तो हाइट गेन हो रही है और हल्का हल्का सर भारी भारी सा लग रहा है, हालांकि हम पानी की सिप ले रहे हैं जो कि एक बात सॉल्यूशन है, और हनी का भी ले रही है, हनी का कैसे सिप लेते हो बताओ, और हम पानी क्यों पी रहे हैं, क्योंकि चक्कर आएंगे फिर दस्त लगेंगे फिर उल्टी होगी फिर पेट में दर्द होगा इसलिए, और मम्मा के जैसे मम्मा का तो सर में दर्द हो गया और वोमिटिंग भी हो गई है ना। वेलकम टू कॉमिक, धीरे धीरे सिप मारता रहो और रास्ता कट जाएगा, खूब मजा आएगा, अगर आपने पानी पीना भूल गए या ढील कर दी एक एक सिप मारने में बस आपको फिर एक बार तबीयत खराब होती है ना फिटनेस जरूरत ही, फिर तो आपको लो एल्टीट्यूड ही चाहिए या ऑक्सीजन। तो भाई कॉमिक आ गए हम, ये ऊपर रेस्टोरेंट है और वो मोनेस्ट्री है कॉमिक की, और है देखो गाइस मैंने इसको कहा था पानी पी ले लेकिन ये लाइट ले रहा था चीज़ों को, आप देखो क्या हो रहा है तबीयत खराब हो रही है, पी रहा था ये देखो। ओ भैया मरीज आए हैं, मरीज हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करो, दो बेड की आवश्यकता है हमें, आपको कुछ हो रहा है परफेक्ट हो ना, पापा की बेटी है। ये रेस्टोरेंट है भाई वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक, अब ये नहीं पता मुझे
कि ये रियल है नहीं, पर हाँ भाई ये वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज तो है, सॉरी मोटरेबल विलेज। आज हमने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था ना, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना था आज कॉमिक में, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज में। ये है कॉमिक के घर। कितने घर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13-14 घर हैं बस भाई यहाँ पर, और आबादी है उनकी 130 के आसपास। ये है मॉनेस्ट्री, चलते हैं अंदर। वैसे अलाउड तो नहीं होगा फोटोग्राफी, बट हम दर्शन करके आते हैं। दोनों मॉनेस्ट्री देख लिए हमने, गांव देख लिया ऊपर से, विजिट तो करने को जो थी नहीं क्या करते। अब यहाँ से जा रहे हैं हम या तो लांगजा या हिक्किम, है ना, तो चलो। तो भाई यहाँ से हम एड्रेस लगा के पोस्ट करेंगे अपने अपने दोस्तों को। भीड़ हो रही है बहुत। हम हैं इस टाइम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, जो कि है हिक्किम में, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 15,500 फीट है। यहाँ से हमने कुछ पोस्ट कार्ड लिखे हैं, दिखाओ कुछ पोस्ट कार्ड लिखे हैं। ट्राई करते हैं ये पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ देखो क्या हो रहा है। डालो डालो भैया, जल्दी डालो। लो बेटा ये लो, ये लो। तो देखते हैं ये पहुंचता है नहीं पहुंचता, सम टाइम ये नहीं पहुंचता, देखते हैं ये पोस्ट ऑफिस काम करता है नहीं करता। तो भाई हम निकल रहे हैं वर्ल्ड के पोस्ट ऑफिस से वापस लांगजा की तरफ, और फिर उसके बाद अपना काजा। तो कहते हैं बाय बाय, नेक्स्ट टाइम कब पता नहीं, बहुत जल्दी मे बी विंटर में। तो फाइनली अब हम आए हैं लांगजा, जहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है। पता है हमने क्या किया, हम यहीं से थोड़े बाहर से निकले थे, फर्स्ट टाइम हम बाहर से निकल के पहले हम कॉमिक गए, कॉमिक के बाद पोस्ट ऑफिस गए, और पोस्ट ऑफिस के बाद जो एक रोड पकड़ा वो सीधा नीचे लेके जा रहा था, तो दोबारा ऊपर आए हैं लांगजा। तो सबसे पहले लांगजा आना चाहिए, देन कॉमिक करो, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर आप नीचे जाओगे। ये सर्कल है ना, बुद्धे नहीं बुद्धा, बुद्धा जी। तो फिर ठीक है मैडम, फॉलो के तो फिर ठीक है। लांगजा में भी होमस्टे है, अगर आप लांगजा में होमस्टे ढूंढ रहे हो या रुकना चाहते हो ना लांगजा में, तो यहाँ पे कुछ घर हैं, देखो उन पे लिखा हुआ है होमस्टे। यहाँ पे जिंजर लेमन टी हनी देते हैं भैया, पीछे कैफे है उनका, पीना बहुत टेस्टी है, मज़ा आएगा, और इस सर्दी में पीने का तो बढ़िया लगेगा। अगर आप काजा में हो तो सिर्फ आपको एक दिन चाहिए, हिक्किम लांगजा एंड कॉमिक के लिए। हमारा लांगजा हो गया है, अब चलते हैं काजा की तरफ, और कल निकलेंगे जो हम मनाली की साइड, तो देखते हैं हो सकता है लोसर में रुके, अगर चंद्रताल की बुकिंग होती है तो वहाँ पर रुकेंगे, तो उसी के बिटवीन अपना चीचम ब्रिज और की मोनेस्ट्री करेंगे। ठीक है चलते हैं फिर।
यहाँ से लांगसा विलेज कितना ब्यूटीफुल दिखता है। आप स्टैचू की तरफ जब रिटर्न आओगे ना काजा के लिए, तब गाड़ी रोकना, और पूरा लांगसा जो विलेज है ना उसका बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सेम लांगसा से वापस आके हमने थोड़ी देर अपनी होटल में रेस्ट किया और अब आ गए हैं हम काजा मार्केट। तो भाई काजा मार्केट कुछ इस टाइप की है, आपको कैफे मिल जाएंगे, कैफे पीती हम कल इसमें गए थे और काफ़ी अच्छा है, बस इसके अंदर कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ वगैरह मिलेगा आपको। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको कल दोबारा से, तब तक के लिए बाय। तो चलिए दिखाते हैं आपको की मॉनेस्ट्री का एक सीनिक व्यू। तो इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और हवा काफी तेज है। तो अभी हमें कुंजुम माता के मंदिर पे कहा जाता है कि काजा से आप मनाली की तरफ जा रहे हो तो माता के दर्शन कर